व्हाट्सअप गाइस, मान जाए आपने फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर कर दिया है और वो ऑर्डर डिलीवर हो गया है और आपको पसंद नहीं आ रहा है, उस ऑर्डर को रिफंड करना चाहते हो, तो इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताएंगे कि कैसे रिफंड करते हैं, कैसे पैसा वो हम ऑर्डर का मंगाते हैं, बैंक में मंगा सकते हैं या UPI से। फुल डिटेल्स मिलेगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको सिंपल से आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑर्डर्स में चले जाना है। तो जैसे ही आप ऑर्डर्स में जाते हो, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं ने भी आपने ऑर्डर किया होगा। तो दूसरे नंबर वाला जो ये गर्ल्स लहंगा है, इसे हम रिफंड करना चाहते हैं। यहाँ पे टुडे आज ही मतलब डिलीवर हुआ है, इसे हम ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है रिटर्न का। ये सभी ऑर्डर्स में नहीं होता है। अगर जो आपके ऑर्डर में रिटर्न का ऑप्शन दे रहा है, यानी आप अपना प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो। अगर नहीं दे रहा है तो नहीं करना है, मतलब नहीं कर सकते हो। तो सिंपल से हम रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले एक रीजन चूज करना होगा, जिस भी रीजन के कारण आप अपना प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहते हो। तो कई भाइयों का यह होता है कि वो ऑर्डर कुछ और करते हैं और उनको डिलीवर कुछ और हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे डोंट वांट टू द प्रोडक्ट एनीवन, इसे चूज कर लेना है। तो कई भाइयों का यह होता है कि पैसे की कमी के कारण वो रिटर्न करना चाहते हैं। तो हम चूज करते हैं आई हैव मल्टीपल इश्यूज विद प्रोडक्ट, इस वाला ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं। या आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो जो आपका प्रॉब्लम है। तो हम इसे चूज करते हैं। इसे चूज करने के बाद यहाँ पे आई हैव मल्टीपल इश्यूज प्रॉब्लम, इसमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर जो आपका कलर चेंज है, आपके मतलब जो प्रोडक्ट है उसका कलर दूसरा आ गया है, तो इनमें से कोई भी चूज कर लो। तो सिंपल से हम यहाँ पे डैमेज प्रोडक्ट विथ डिफरेंट ब्रांड, इसे हम चूज कर लेते हैं। और इसे यहाँ पे चूज करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम दिखा देते हैं, फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन को हमने चूज किया है। और यहाँ पे कमेंट में आपको कुछ भी लिख देना है, जैसे कि हम लिखते हैं रिटर्न, या फिर कुछ भी आप 5 अंक का कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि वही लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो हम रिटर्न लिख देते हैं। रिटर्न लिखने के बाद एक कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो। तो हम रिप्लेसमेंट, अगर जो आप चाहते हो कि उसकी जगह पर दूसरा वही प्रोडक्ट आ जाए तो चूज कर सकते हो। तो अगर जो एक्सचेंज करना चाहते हो, उसके जगह पर दूसरा कलर मंगाना चाहते हो, तो ये भी चूज कर सकते हो। तो सिंपल से हमें रिफंड करना है, मतलब पैसा हमें मंगाना, तो इसे हम चूज करेंगे। और नीचे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर जो गिफ्ट कार्ड वॉलेट में पैसा मंगाना चाहते हो, या फिर बैंक अकाउंट में, या फिर UPI में, तो चूज कर लो। तो जिसमें भी आप उस प्रोडक्ट का पैसा मंगाना चाहते हो तो चूज कर लो। यहाँ पे गाइस, अगर जो आप गिफ्ट कार्ड के थ्रू अगर जो अपने फ्लिपकार्ट वॉलेट में पैसा मंगाना चाहते हो, तो इसे चूज करके कंटिन्यू कर सकते हो। अगर जो UPI के थ्रू मंगाना चाहते हो, किसी भी दोस्त के या किसी का भी UPI ID यहाँ पे आसानी से इंटर कर दो, गूगल पे, फ़ोन पे, या आपका शो होगा, इसे चूज करके आसानी से कंटिन्यू कर सकते हो। जो आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में लिंक होगा UPI ID, वो शो हो जाएगा यहाँ पे। या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू भी मंगा सकते हो पैसा, IFSC कोड और अपना अकाउंट नंबर डाल के। यहाँ पे जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा। तो सिंपल से हम वॉलेट के थ्रू मंगाना चाहते हैं, तो इसे हम चूज करेंगे। जैसे ही आप इसे चूज करते हो, यहाँ पे कंटिन्यू करना है, नीचे ऑप्शन दे दिया जाता है। तो जैसे ही हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि हाउ विल योर रिक्वेस्ट बी प्रोसेस, मतलब किस तरह आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस होगा। तो सिंपल से सबमिट रिक्वेस्ट कर दो, अगर जो आप पैसा मंगाना चाहते हो। तो जैसे करोगे, यहाँ पे वेरीफिकेशन रिक्वायर्ड प्रोसेस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये वेरीफाई करेगा आपके मतलब मोबाइल नंबर के थ्रू। तो सिंपल से आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर लेना है। SMS का परमिशन मांगेगा, और तो अकाउंट में जो फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। तो सिंपल से हम OTP को यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे OTP यहाँ पे डालते हैं, आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो रिटर्न रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, मतलब आपने यहाँ पे कर दिया सब कुछ रिटर्न वाला। उसके बाद कुछ ही समय बाद गाइस, आपको यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, जैसा कि आप चलते हैं, ओपन करते हैं, और यहाँ देख सकते हो रिटर्न आज दिखा रहा है कि इतना समय लगेगा। तो हम मिलते हैं इसका कंप्लीट होने के बाद, हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि हमें पैसा मिल चुका है। सो गाइस, अब चलते हैं बैक, और यहाँ देख सकते हो रिफंड रिक्वेस्टेड यहाँ पे चला गया है। उसके बाद कुछ समय बाद गाइस, आपके सामने हम ओपन करते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट ऐप। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अकाउंट में चलते हैं और ऑर्डर्स में चले जाते हैं। दोबारा ऑर्डर्स में जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो हम ये ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रिफंड कंप्लीटेड, मतलब हमारा पैसा आ चुका है हमारे मतलब फ्लिपकार्ट वॉलेट में। और यहाँ पे देख सकते हो रिफंड कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीटेड के नीचे एक ऑप्शन मिलता है गो टू माय वॉलेट, यहाँ पे हमारे वॉलेट में, क्योंकि हमने वॉलेट में पैसा मंगाया था। यहाँ पे देख सकते हो 434 रुपये हमारे वॉलेट में आ चुके हैं, इससे हम दोबारा फ्लिपकार्ट में सामान खरीद सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, अगर जो आपने बैंक अकाउंट डाला होगा तो आपके बैंक अकाउंट में चला गया होगा, UPI डाला होगा तो UPI में चला गया होगा। तो सिंपल से हमने यहाँ पे डाला था अपना वॉलेट, वॉलेट में हमने पैसा मंगाया। उसके बाद अगर यहाँ से नहीं मिल रहा तो अकाउंट में जाइए, और अकाउंट में आने के बाद स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिए, और यहाँ जैसे देखने को मिल जाता है सेव कार्ड्स एंड वॉलेट, यहाँ पे देखते हो। इसे ओपन जैसे आप करोगे, आपका जितना भी UPI ऐप होगा शो हो जाएगा गाइस, सेव जो होगा। तो आई होप कि आपको फुल डिटेल्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।